नमस्कार, मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं राकेश प्लस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बाग में दो सुंदर तोते अपने घोंसले में रहते थे। एक दिन बड़ी जोर जोर से बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी पक्षी पानी से उब चुके थे, लेकिन बारिश अभी भी बहुत तेज थी। तभी तोतों के घोंसले के पास एक और तोता आया। वो पानी से पूरी तरह भींगा हुआ था। उसने दोनों तोतों से अपने घोंसले में बैठने का आग्रह किया कि मुझे भी अपने घोंसले में बिठा लो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन उन तोतों के घोंसले में बैठने के लिए इतना पर्याप्त जगह नहीं थी, इसीलिए वे तोते इस तोते को मना कर रहे थे। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, बल्कि ज़बरदस्ती उन तोतों के ऊपर ही बैठ गया और फिर वह तोते इसको नीचे गिरा दिया और बार बार यही कहता रहा कि तुम कितने मूर्ख हो। कुछ देर बाद बारिश रुकी और वह तोता चला गया। उस तोते के जाने के बाद अब घोंसले में बैठे तोते की औरत तोते से पूछा कि मूर्ख क्या होता है। तोते ने कहा, हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाएंगे कि मूर्ख कौन होता है, सो ध्यान से सुनना। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसका एक लड़का और बहू रहती थी। सेठ का लड़का पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर व्यापार पर गया हुआ था। अब घर में सेठ, सेठानी और बहू थी। एक बार सेठ की बहू मासिक धर्म में थी, इसीलिए उसको नहाने में करीब 11 बज गए थे। वो जब नहा रही थी तब वहां से तीन व्यक्ति जा रहे थे। तभी तीनों को प्यास लगी। वो पानी के तलाश में उसके पास आए और उससे पानी पिलाने का आग्रह किया, परंतु सेठ की बहू नहाते वक्त अधिक कपड़े नहीं पहने हुई थी। तभी अचानक एक व्यक्ति ने कहा कि हमें बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। सेठ की बहू ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं राही हूँ। सेठ की बहू ने कहा, राही दो ही है, बताओ कि तुम कौन से राही हो। इसका जवाब वो नहीं दे पाया। तब तक दूसरा बोला कि मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे पानी पिलाओ। सेठ जी की बहू ने पूछा कि तुम हो कौन हो? उसने कहा, मैं अनपढ़ हूँ। अब सेठ जी की बहू ने कहा कि अनपढ़ दो ही है, तुम कौन से अनपढ़ हो? जब तक वो व्यक्ति जवाब देता कि तीसरा व्यक्ति भी बोला कि मेरा प्राण प्यास के कारण निकला जा रहा है, मुझे पानी पिलाओ। तब तोते की पत्नी बोली, फिर क्या हुआ? तोता बोला, ध्यान से सुनना। अब वो तीनों व्यक्ति से ऐसा कठिन सवाल पूछ कर उन्हें कुछ पल रोक लिया। तब तक सेठ की बहू नहाकर अपने कपड़े पहन ले और तीनों को पानी लेकर आई और बोली कि पानी खूब प्यास से पियो। तब तक सेठ जी भी वहां आ गए और अपनी बहू को तीन अनजान लोगों को पानी पिलाते हुए देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि हमारा बेटा बाहर है और बहू तीन लोगों के साथ गलत कर रही है, यानी मेरी बहू बदचलन है। उसके मन में विचार आया कि ये बात मैं राजा को बताऊंगा, और वो तुरंत राजा के दरबार में जाकर सारी बातें बता दिया। राजा ने अपने सिपाहियों को सेठ जी के बहू को लाने के लिए भेजा। जब सिपाही सेठ जी के बहू से कहा कि तुमको राजा ने बुलाया है, तो सेठ की बहू ने कहा कि राजा से पूछो कि मुझे किस रूप में बुलाया है, माँ के रूप में या बहू के रूप में या बेटी के रूप में। सिपाहियों ने वापस आकर राजा को सारी बातें बताई। राजा हैरान होकर अपने मंत्रियों से सलाह ली। तब एक मंत्री ने कहा कि महाराज, सेठ तो हमारे नगर में रहता है और रिश्ते में सेठ आपका भाई ही लगता है, इसीलिए सेठ की बहू आपकी बहू ही हुई। राजा ने कहा कि जाओ उसको बहू के रूप में लाओ। पालकी में सेठ जी की बहू को बैठा कर लाया गया। राजा ने कहा, बहू तुम पराए मर्दों के साथ क्यों थी? ऐसा मेरे राज में नहीं हो सकता है, ये पाप है। और फिर तुमने उन लोगों से बातें भी किया है। अब सेठ की बहू ने कहा कि मैं नहा रही थी, इसीलिए पानी तुरंत नहीं पिला सकी, और प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वे लोग चले जाते। अगर पानी पिलाना मर्यादा के खिलाफ है, पाप है, तो मैं ये पाप भी करती रहूंगी। इस पाप को करने के लिए मैं उन लोगों से कठिन सवाल भी पूछे ताकि वे लोग सवाल में उलझ जाएं और मैं अपना कपड़ा पहन लूं। राजा ने पूछा कि वो कौन से कठिन सवाल हैं जिसका जवाब वे लोग नहीं दे पाए। सेठ जी की बहू ने कहा, पहले व्यक्ति से पूछा राही दो हैं तो कौन कौन है, दूसरे से पूछा कि अनपढ़ दो हैं तो कौन कौन है, तीसरे से पूछा कि मूर्ख दो हैं तो कौन कौन है। राजा सोचने लगा कि यह तो अद्भुत प्रश्न है, इसीलिए वो अपने मंत्रियों से पूछा, वो भी नहीं बता पाए। अपने पुरोहितों से पूछा तो वो भी नहीं बता पाए। अब राजा ने कहा कि इसका जवाब तुम ही बताओ। सेठ की बहू ने कहा, इतने अद्भुत ज्ञानवर्धक सवाल हैं तो इनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राजा ने कहा कि ठीक है, शर्त बताओ। सेठ की बहू ने बताया कि आधा राज इसकी कीमत है। राजा को और आश्चर्य लगा, जिज्ञासा बस राज देने को तैयार हो गया और राज लिख भी दिया। सेठ की बहू ने कहा, पहला प्रश्न, राही सिर्फ दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। दूसरा प्रश्न का जवाब है कि अनपढ़ दो ही हैं, अन्न और पानी। तीसरा जवाब है कि मूर्ख दो ही हैं, एक आप जो बिना सोचे समझे अपना आधा राज दे दिया मुझे,
और मेरे ससुर जी जो कि घर की बात घर की इज्जत भरी सभा में सबके सामने धूल की तरह उड़ाया है। अब राजा को गुस्सा आया, लेकिन अब सेठ की बहू भी आधे राज्य की रानी बन चुकी थी। इस प्रकार तोते की पत्नी को मूर्ख का मतलब समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर दें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।